यार इसका जो चटनी होता ना थोड़ा अलग है यार, क्योंकि ये मतलब चटनी के साथ साथ थोड़ा ऐसा लगता रसगुल्ले का रस भी है। तो ये हम सबसे पहले ट्राई कर रहे हैं टमाटर चाट। मेरे हिसाब से आलू है, टमाटर है और छोले वाला मटर है। ये है लाल पेड़ा यहाँ का। मन प्रसन्न हो गया। ये है यहाँ की रसमलाई। अरे भाई पूरा सिस्टम हिला दिया भाई। तो बनारस के फूड टूर की स्टार्ट कर रहे हैं हम दशाश्वमेध घाट के पास से। यहाँ पे एक पीछे दुकान है भैया। आपकी दुकान का क्या नाम है? यादव इडली वाले। और क्या क्या आप वैसे बेचते हैं यहाँ पे? साउथ इंडियन डिश, इडली डोसा दही बड़ा वगैरह। तो ये है आलू वड़ा सांभर। इसमें नारियल की चटनी है, आलू का वड़ा है, सांभर है। चलो देखते हैं खाके, बहुत फेमस है। ये है 20 रुपए का एक वड़ा। तो यार आलू वड़ा था 20 रुपए का प्लेट, 20 रुपए में दो, उसी के बाद फिर हमने मंगाया। तो ये है दही वड़ा और ये दिया है हमें 25 रुपए का पीस को, 25 रुपए पीस। इसको खा के देखते हैं। ये है पहले आपका। एकदम ऐसा लग रहा लस्सी के साथ खा रहे हैं। तो यहाँ पर हम खा रहे हैं डोसा, और डोसा इसलिए खा रहे हैं क्योंकि यार आज पूरे दिन बस खाना ही खाना है, तो इसीलिए हर जगह थोड़ा थोड़ा कुछ खाना है ताकि हमारे पेट में जगह बना रहे। वैसे तो हमने एक जानदार पार्टी रखा है अपने साथ। देखते हैं, ये भी फेल हो सकता है। अरे भाई, तो ये है डोसा, डोसे के साथ है नारियल की चटनी, और ये है अनियन डोसा। आओ भाई इसको ट्राई करते हैं, फटाफट बैठो, बहुत गर्म है। लेकिन ये देखो यार, इसके अंदर पूरा ऑनियन का स्टफिंग है, इसको हल्का, बहुत गर्म है यार चटनी। आय हाय भाई, बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो यार ये देखो, ये है डोसा, इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टफिंग नहीं है, लेकिन ये खाने के बाद इतना टेस्टी लग रहा है, उसका रीज़न है ये चटनी। हाय हाय, इतनी गर्मी में भी इतना गरम गरम खा के इतना मज़ा आ रहा है ना। भाई इधर है बढ़िया, एकदम भरा हुआ माल, एकदम बवाल है, पूरा सिस्टम मिला दिया। भैया आज हम एक बात कहेंगे, आज मैं अपने लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट डोसा खाए। कभी आप आओ काशी विश्वनाथ मंदिर के जस्ट सामने, भैया लगाते रोज लगाते मॉर्निंग 7 to 10:30, 7 to 10:30 खा के जाना भाई, मज़ा आ जाएगा। और एकदम जो बहुत ज़्यादा रेट भी नहीं है। आह यार, डोसे से ज़्यादा सुंदर इनकी चटनी है। भैया थैंक यू सो मच। वाराणसी फूड टूर में अब हम अगले जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हमारा, वो है गदोलिया चौक का कचौड़ी। क्या नाम है भाई? नाम कुछ नहीं है यहाँ दुकान। यार आज जितने भी शॉप, एक्चुअली बनारस में जितने भी फेमस जगह हैं वो कुछ कुछ लोग बना रहे हैं, उसमें नाम ऐसे बहुत ज़्यादा नाम नहीं मिलता है। तो यहाँ पे एक जालान दुकान है, जालान के सामने एक कचौड़ी वाले भैया बैठते हैं, ये पीछे इनका नाम है संजय। ये जो कचौड़ी है काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ऐसा हम नहीं, ऐसा बनारस के भैया कहते हैं शाश्वत जी। ये हम टेस्ट करने आए हैं कि यहाँ पे कैसी कचौड़ी मिलती है। कचौड़ी आ गई भैया, आ गई। तो एक कुछ इस तरीके से ये कचौड़ी सब्जी देते हैं, चने की सब्जी है। ये देखो एक मटके में दी जाती है, कुल्लड़ में दी जाती है, और छोटी छोटी कचौड़ियाँ हैं। ये कुछ इस तरीके का बनता है, देखो गर्म है भाई बहुत ज़्यादा। अरे भाई क्रंची है, हल्का नमकीन है, हल्का मीठा है, खस्ता भी है, पूरा सिस्टम हिला दिया भाई। टू बी ऑनेस्ट, जब आप इसको देखेंगे तो ऐसा आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि इसको खाने में इतना ज़्यादा ऐसा मिक्स टेस्ट आएगा।
अगर आपको इस ये टेस्ट लेना है तो सामने देखो ये है जालान दुकान, और यहाँ पीछे ये कचौड़े की दुकान है। यहाँ पे आपको ये बवाल कचौड़ी, इसका कुछ नाम है खस्ता कचौड़ी मिल जाएगा। टेस्टी है ना। संजय भाई है, ये रवि भाई है, 25 साल से यहाँ दुकान लगा रहे हैं, और 20 रुपए की कचौड़ी है, लेकिन भैया आपका टेस्ट 200 रुपए का। बहुत ही बहुत बहुत बढ़िया है भैया, कैसा लग रहा है खाने में सच बताना? अच्छा लग रहा, बढ़िया लग रहा है। छोला कचौड़ी और जो वाराणसी फूड टूर में अगला जो डेस्टिनेशन है वो है गोविंद स्वीट्स। यहाँ की वैसे पूरी सब्जी बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, लेकिन आपको अगर याद होगा तो हमारे जो फ्रेंड है शाश्वत, वो जब हमसे मिलने आया था तो समोसा लेकर आया था। तो ये समोसा खाने के लिए हम आ गए हैं यहीं पर गोविंद स्वीट्स देखने के लिए कि यहाँ क्या क्या हाल है। तो एक बार इसको ट्राई करते हैं। वैसे तो मुझे पता है ये बहुत ही स्वादिष्ट है यार, इसका जो चटनी होता है ना थोड़ा अलग है यार, क्योंकि ये मतलब चटनी के साथ साथ थोड़ा ऐसा लगता रसगुल्ले का रस भी है। हाँ 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 भाई एक नंबर। यार इनकी चटनी इतनी अच्छी है कि मैं एक बार ही फिर से लेने गया था। यार सुबह से आपको बस नमकीन दिखा रहे हैं, तो ये फर्स्ट ऐसा डिश है, मिठाई है यही गोविंद स्वीट से, ये है रसमलाई। शाश्वत ने कहा कि यहाँ की रसमलाई भी बहुत फेमस है, तो मैंने सोचा यार वैसे भी बहुत ज़्यादा ही नमकीन खा लिया, थोड़ा मीठा खा के देखते हैं। ये है यहाँ की रसमलाई, अपना ले आओ, ये तो नहीं देंगे खा लो। तो यार वैसे तो हम मीठा खा रहे थे, तो शाश्वत ने बताया कि यहाँ पर एक और दुकान है जिसका नाम है पूर्वांचल स्वीट्स हाउस, और वहाँ का लाल पेड़ा बहुत फेमस है। ये देखो ये है लाल पेड़ा यहाँ का, तो हम बस यहाँ भी आ गए टेस्ट करने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है देख के कि ये पूरा पूरा ऐसे खोआ में ही बना हुआ है। हाँ 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 बहुत सुंदर, ये आप देखोगे तो पूरा का पूरा सिर्फ खोआ ही है। किससे बनाते हैं आप लाल पेड़ा? देसी घी है, खोया है, और बाकी आप देखोगे तो रस मलाई भी है। ये भी, ये क्या है? दही बड़ा है, दही बड़ा है, रसगुल्ले है, इधर भी रसगुल्ले है। ठीक है भैया, अच्छा था आपका पेड़ा, देसी घी से निर्मित है, देसी घी शुद्ध लाल पेड़ा है प्रसिद्ध। कितने दिन से बना रहे हैं ये? 70 साल से बन रहा है। 70 साल। तो वैसे हमने चाट खा लिया, हमने मिठाई खा ली, और सबसे ज़रूरी चीज़ जो रह रही थी वो थी चाय। तो हमने शाश्वत भाई को कहा कि भाई अपने पसंद का सबसे बेस्ट अड्डा ले चलो जहाँ पर चाय मिले। तो ये लेकर आए हैं हमें जो रास्ता है जो कचहरी से दूरदर्शन की तरफ जाता है उसके बीच में एक चाय का ढाबा है, चाय का नहीं बहुत सारी चीज़ों का ढाबा है। तो चलो हम एक बार यहाँ पे चाय पीते हैं। ये चाय कितने की आती है? ये 10 की है। 10 की okay. और यहाँ हाफ कटिंग भी मिलता है? हाफ कटिंग भी, हाफ कटिंग है 6 रुपए, ये है 10 रुपए। ये देखो चाय, मन प्रसन्न हो गया बहुत, मतलब मुझे लगता है जब से बनारस आए थे चाय नहीं पिए थे यार। हाँ हाँ हाँ, बहुत दिनों के बाद इतनी बढ़िया चाय, क्या बात है। हाय हाय सर, आज के इस वीडियो में हमने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे स्टोरीज के थ्रू बताया था कि बनारस में जो भी भाई लोग हमसे मिलना चाहते हैं वो मुंशी घाट पे आ सकते हैं 6 बजे। हमसे कुछ कुछ भाई लोग इधर मिलने आए हैं, ये देखिए यहाँ पे भाई लोग, हाय हेलो कर दो। हेलो, थोड़ा हल्ला मचा दो, ज़्यादा जोर से नहीं, थोड़ा मचा दो। हाय।
चलो एक चीज जो हम लोग हर वीडियो में कहते भोले नाथ सब मेरे साथ हर हर महादेव। जल्दी जल्दी एक एक करके नाम बता दो भाई। अमन देवंश। कहाँ से आप? इलाहाबाद से। इलाहाबाद से आए हैं। आशुतोष यादव। बनारस। बनारस। आप बताएं भैया। आप मिर्जापुर भैया। हाँ पहले आप। सूरज यादव बनारस से। बनारस से। रंजीत कुमार मिर्जापुर। रंजीत भाई है मिर्जापुर से आए हैं। कौन कौन रह गया? श्रीवास्तव बिहार। अरे भैया बिहार से। क्या बात। हम बानी बिहार से। और कौन रह गया भाई? बनारस से ही है। नाम बताइए। विकास यादव जी हैं। और भैया आप? किशन सिंह। किशन सिंह बनारस। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। बाकी मैं अब इनसे थोड़ा बातें करता हूँ, फिर मैं इनसे बातें करूँगा। तो इस बनारस फूड टूर के सबसे लास्ट अंतिम पड़ाव पे हम आ चुके हैं। ये है हमारे पीछे काशी चाट। यहाँ पे अलग अलग तरीके का चाट आपको मिल जाता है। यहाँ पर हम क्या क्या खाने वाले हैं? टमाटर चाट आलू चाट और देखते हैं चल के अंदर दुकान पे। वैसे सच बताऊँ तो सुबह से जितना हमने बाहर का खाया है महीने भर जरूरत नहीं है खाने की। पर देखते हैं क्या क्या बन रहा है। टमाटर चाट यहाँ का फेमस है। इसमें देसी घी पड़ता है और चाशनी पड़ता है, गरम मसाला है, काजू पनीर है, सब मिक्सचर के पड़ता है। तो ये हम सबसे पहले ट्राई कर रहे हैं टमाटर चाट। और पहले इसको खा के देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। मुझे तो पता नहीं चल रहा है, मैं सबसे पहले खा के देखते हैं। इसके अंदर कुछ ऐसा है शायद नमकीन सा, क्रिस्पी सा, थोड़ा यार मैं बयान नहीं कर पा रहा, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी है। मेरे हिसाब से आलू है, टमाटर है और छोले वाला मटर है, उसी का ग्रेवी बना के। देखो टमाटर चाट के बाद अब हम खाने वाले हैं टिक्की चाट, आलू टिक्की चाट। वैसे टमाटर चाट मुझे उतना विश्वास नहीं लगा। हाई एक्सपेक्टेशन विद टिक्की चाट, लेट्स सी। बहुत फेमस शॉप है इसलिए मैंने सोचा एक बार यहाँ भी खा के देखते हैं। सबने खाया, हम भी देखते हैं क्या है भाई। तो ये हमने ऑर्डर किया अभी टिक्की चाट। इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें मीठी चटनी है, हरी चटनी है, बूंदी है और धनिया है और थोड़ी सी दही भी है और इसके अंदर टिक्की है तो और छोले भी हैं। तो एक्सपेक्टेशन जो है इस टिक्की चाट से बहुत ज़्यादा है भाई। इतना ज़्यादा है ना क्वान्टिटी इनका इस प्लेट के हिसाब से, थोड़ा इधर उधर गिर रहा है। ये वाला वर्थ है, ये व्यर्थ नहीं है, पिछले वाला व्यर्थ है। ये वाला भाई आहा। तो भाई हमारा बढ़िया मीटअप भी हो गया और हमारा बनारस का एक छोटा सा फूड टूर भी हो गया। जो शाश्वत को पसंद था, जो भी दुकानें पसंद थी, जो भी वहाँ के फेवरेट दुकानें फेवरेट डिशेस ये सब पसंद था वो हमने ट्राई किया। और ट्रस्ट मी बहुत अच्छा लगा। कभी आप देखो किसी ने पैसे वैसे नहीं दिए थे कि इसके बारे में बता दो, ना इसने दिए ना दुकान वालों, ना किसी ने फ्री में खिलाया। जो अच्छा लगा उसके बारे में अच्छा बोल, किसी ने नहीं खिलाया यार, ऐसा नहीं कि चल वीडियो बना रहा, चलो कोई बात नहीं। तो जा वो जो बस काशी चाट भंडार का जो वो टमाटर चाट था वो बकवास लगा मुझे। बकवास नहीं लगा, नॉट सेइंग पर नहीं, मतलब जिस हिसाब से उसका हाइप बना हुआ था। टिक्की चाट अच्छा लगा, टिक्की चाट बहुत मस्त था। सबसे बढ़िया क्या लगा तुमको? दही बड़ा। सुबह सुबह दही बड़ा यार बहुत सुंदर था यार। एक बारी और खाने का मन कर रहा था लेकिन फिर सोचा कि चलो ठीक है अभी हल्का हाथ रखो क्योंकि टूर पे निकले हैं, अपना पेट का टूर हो जाएगा। और डोसा भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और लस्सी हमने जान के नहीं पी क्योंकि कल पी ही लिया था, इसीलिए पहलवान लस्सी ढाबा वगैरह सब फेमस है। लेकिन वही बात है, जो चीज़ें फेमस हो चुकी है ना वो उनका थोड़ा क्वालिटी डिग्रेड हो ही जाता है। बाकी और क्या खाया था हमने, वो जो सुबह कचौड़ी खाई थी ना छोटी वाली वो बहुत खस्ता कचौड़ी वो बहुत। तो ओवरऑल मुझे सब कुछ जो भी इसका पसंद था बहुत पसंद आया। पेड़ा जो था वो भी ठीक ठाक था, वो इतना बहुत मुझे लगता है थोड़ा सा वो ताज़ा नहीं था इसीलिए। तो कभी इधर आओ तो ये सारी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। और यार देखो एक बात और आपको कहूँगा, जब आप वीडियो देखते हो
तो उस टाइम जो अब जैसे अभी बनारस की वीडियो है जो आ रही है तो वो एक दो दिन बाद आती है चैनल पे, क्योंकि प्रोडक्शन में वीडियो शूट एडिटिंग में टाइम लग जाता है। तो आप इंस्टाग्राम पे अगर मुझे फॉलो कर लोगे तो आपको पता चलता रहेगा कि अभी मैं करेंट डे पे कहाँ हूँ। क्योंकि एक लड़का यार ये वीडियो देख के ऐसे मिर्ज़ापुर आ गया था और मैं था बनारस में, तो मुझे थोड़ा ऐसा बुरा लगा। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो तो पता चलता रहेगा कि मैं कहाँ हूँ। तो बाकी तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और अगर आई है तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर सकते हैं अगर नहीं किया। तो मिलते हैं गाइज बहुत जल्द बनारस के अगले डेस्टिनेशन के साथ और कुछ नई कहानियों के साथ।